नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश सिंह है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास चैप्टर जिसका नाम रीजनिंग में है कैलेंडर। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैलेंडर को, जो रियल कैलेंडर होता है, इसको बहुत से लोग कई ट्रिक पे यानी कोड से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोग को ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसको कोई कोड रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैं अब आप लोगों को जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें पहला लिखा है कैलेंडर पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में इसके बाद केवल क्वेश्चन कराऊंगा, यानी हम कैलेंडर को दो भागों में पढ़ाएंगे। पहला पार्ट है रियल कैलेंडर और दूसरा होगा जिसको मतलब कुछ दे देंगे और उसके बाद पूछेंगे इसके आगे या इसके पीछे कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने लिखा है साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में जानते हैं आप लोग कितने दिन होते हैं, 365 यानी 365 दिन होते हैं। 365 दिन को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी 52 हफ्ता और एक विषम दिन होता है। विषम दिन क्या होता है, जब भाग देने के बाद जो शेष फल बचता है उसको हम विषम दिन कहते हैं, ठीक। और दूसरा होता है लीप वर्ष यानी लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डे होते हैं यानी 366 दिन होता है। इसको भी 7 से भाग देंगे तो 52 हफ्ता और इसमें दो विषम दिन आएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर, इसको हम लोग देखिए 7 से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया जो शेषफल आता है वो विषम दिन होता है, और ये देख लीजिए इसमें दो विषम दिन, इसमें एक विषम दिन होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर चलते हैं मंथ पे। जैसे देना है महीने का विषम दिन, ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो महीना 12 होता है। जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 28 या 29 दिन, 28 नॉर्मल ईयर, 29 लीप ईयर, और मार्च 31, अप्रैल 30। इसको भी याद करने का सबसे आसान तरीका, यदि आप लोग को नहीं याद है तो, सब 31 से शुरू होगा, फिर केवल ये 29 या 28 का होगा, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, 31। इसी चीज़ को ध्यान देना आप लोगों को, यानी जुलाई और अगस्त हमेशा 31, 31 का रहता है, फिर उसके बाद 30, 31, 30, 31, ठीक। एक कॉन्सेप्ट आप लोग एकदम पूरा याद कर लीजिए। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग जैसा देखिए, 31 डिवाइडेड बाई 7, 7 4 जा 28 एंड 7 4 28, कितना दिन बचा, 3, यानी यही 3 क्या हो गया, विषम दिन हो गया। इस तरह हम विषम दिन निकाल लेंगे यानी 8 डे। तो फरवरी में विषम दिन 0 या 1, मार्च में 3, ये भी देखिए इसी बेस पे चलेगा, यानी 3 ये बस 0 1, फिर 3 2, 3 2, 3 3, ये देखिए जुलाई अगस्त 3 3 और ये 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये विषम दिन, विषम दिन से ही हम अपना पूरा काम करेंगे, कैलेंडर एकदम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे नोट मैंने लिखवाया है, 31 दिन वाले, 31 दिन में 3 विषम दिन होते हैं, 30 दिन में 2 विषम दिन होते हैं, 28 दिन में 0 विषम दिन तथा 29 दिन में 1 विषम दिन होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए लीप वर्ष, अब हम लोग जानते हैं लीप वर्ष क्या होता है, ठीक। लीप वर्ष क्या होता है, वे वर्ष जो 4 से विभाजित हो लीप वर्ष कहलाते, यानी जो 4 से डिवाइड हो, जैसे 2000, देखिए 4 5 20, 500, यानी पूर्णतया विभाजित हो 4 से, उसे लीप वर्ष कहते हैं। देखिए 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, डाट डाट डाट, ये लीप वर्ष हो जाएगा। शताब्दी मतलब होता है 100, सेंचुरी, सेंचुरीज लीप ईयर यानी शताब्दी वर्ष, यानी शताब्दी वर्ष हुए होते हैं जो 400 से, एकदम ईजी है, जो 4 से डिवाइड हो वो लीप वर्ष होता है और जो 400 से डिवाइड हो वो शताब्दी वर्ष होता है। तो देखिए 400, 800, 1200, 1600, 2000, ठीक, इतना हुआ, यानी ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष है। अब 400 के पहले भी तो हमारा आएगा 300, 200 और 100, तो उसको निकालने के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक। देखिए 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या, मैंने आपको पहले बताया विषम दिन से हम अपना पूरा काम करेंगे, ठीक। तो 100 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, देखिए 100 दिन को हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 100 तो लिखेंगे तो सेंचुरी हो जाएगा, इसलिए 99 तक ही जाएंगे, एक छोड़ देंगे, ठीक, 99 तक। अब इसमें से 4 से डिवाइड करिए कितने, यानी 99 साल में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, तो 4 से डिवाइड, 4 दूना 8, 1,
19, 4 चौक को 16, यानी 24 टू पूर्णतः आ रहा है, यानी देखिए 24 लीप वर्ष आ गया। ठीक, कितना बचा अभी, तो लीप वर्ष 24 आ गया, तो 100 में से घटाइए 24, देखिए 76 आ गया, यानी 76 साधारण वर्ष हो गया। जबकि हम लोग देखिए पीछे पड़े हैं साधारण वर्ष में कितने का, यानी एक दिन का अंतर, एक विषम दिन आता है। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये साधारण वर्ष है, इसमें एक विषम दिन आता है, तो इसलिए इसमें एक से मल्टीप्लाई किया हूँ। और इसमें लीप वर्ष में 2 विषम दिन आता है, देखिए 2 विषम दिन, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई कर इसको जोड़ दीजिए, यानी 124 दिन आता है। यानी अब देख लें 100 वर्ष में कितना विषम दिन आता है, तो 124/7। ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए 7 + 7, 7 3 यानी 54, यानी 7 × 7 = 49, यानी 5 विषम दिन आ गया। 5 विषम दिन, बस केवल आप यही रट लीजिए, 100 वर्ष में 5 विषम दिन। तो अब 200 वर्ष का हमको ज्ञात करना है, तो 200 वर्ष को क्या लिख सकते हैं, 100 × 2 लिख सकते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं 100 दिन में कितने, 5 विषम दिन। तो उसी तरह 2 से गुणा कर दिए, 5 × 2 = 10, तो 10/7 यानी कितने विषम दिन, 3 विषम दिन, यानी 200 में कितना विषम दिन, 3 विषम दिन। उसी तरह अब 300 में देख लीजिए, 100 × 3 हो जाएगा, 100 दिन में 5 विषम दिन, तो 3 × 5 = 15, यानी 15/7 = 1 विषम दिन, देख लीजिए 1 विषम दिन आया। ठीक, उसी तरह 400 में हम लोग ऐसे आगे निकालते जाइए, आपका आता जाएगा। देखिए 400 में 100 × 4, ठीक, तो 5 × 20, 20 आ रहा है, एक दिन जो उसका बचा था हाँ उसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 21/7 = 0 विषम दिन। हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होगी, बहुत कैलेंडर पूछेगा तो 2000 के बाद, यानी 2000 से लेके 3000 तक जाएगा वो, 2020, 2040, 2060, और पीछे जाएगा तो 2000, 2001, और उससे भी पीछे जाएगा तो 1900 में आ जाएगा। तो 1900 में आएगा तो हम इसका यूज करेंगे, यानी 300, तो आप लोग केवल ये रेट 300 में एक विषम दिन होता है। ठीक, अब अगला देखिए, इम्पॉर्टेंट नोट, जब कैलेंडर शुरू हुआ था, अब देखिए हमारी की यहीं से शुरू, कैलेंडर का क्वेश्चन हमारा रियल कैलेंडर का क्वेश्चन शुरू, यहीं से हमारा क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा, अब हमको सब्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए जब कैलेंडर शुरू हुआ था तो 1 जनवरी सन 1, यानी जब भी हमारे सृष्टि की रचना हुई थी तो हम उस दिन 1 जनवरी रहा होगा, और सन भी 1 शुरू हुआ होगा, उस दिन हम मांग लेते हैं पहला दिन सोमवार था। ठीक, तो अब देखते हैं हमारी की क्या है, यही की हमेशा काम करेगी, 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। ठीक, बस इसी पे हमारा पूरा कैलेंडर समझ लीजिए अब ख़त्म, आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये तो सिंपल है। जब 1 फरवरी को हम लोग कोई भी दिन मतलब स्टार्ट करेंगे 2010 को, तो अगले साल 1 फरवरी 2 को यानी 2015 को, यानी 1 वर्ष पूरा होगा, यानी यहाँ पे 11। ठीक, यानी 1 से 1 तक हम अपना लगाएंगे, 1 से 1 तक 1 वर्ष, और महीने में जाएंगे तो 1 से 1 तक 1 महीना। ठीक, या इसको ऐसे भी 14 से 14 तक 1 महीना हमारा पूरा होगा। अब जब महीने से कम आना जाना हो, यानी 1 ही महीने में, तो तुरंत हमको अपना दिन निकालना होगा। तो जैसे 5 मार्च से 28 मार्च दिया है, तो 28 में से 5 घटा लेंगे, आ जाएगा 23, यानी 23 को अब 7 से डिवाइड कर देंगे, विषम दिन 2 आ जाएगा। बस विषम दिन ज्ञात करना, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि हमको विषम दिन पे बस अपना काम करना है, तो चलिए इसका फार्मूला हम लोग पहले लिख लेते हैं। यानी हमारा सन 1 को, ठीक, पहला महीना और सन 1, यही ना, यानी 1 तारीख कितने को हमारा क्या था, सोमवार था, बराबर सोमवार। अब इसी में सोमवार में एम प्लस करेंगे। ठीक, यानी पहले क्या होगा, विषम दिन, विषम दिन किसका विषम दिन होगा, यानी साल का विषम दिन होगा, फिर प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे विषम दिन किसका विषम दिन होगा, महीने का। ठीक, फिर ऐड करेंगे विषम दिन, विषम दिन किसका विषम दिन, यानी ये दिन का होगा। ठीक, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन 26 जनवरी सन 2026 को, क्या 2026 साल जो 26वां साल चल रहा है पूरा कंप्लीट हो गया है, नहीं कंप्लीट हुआ है, इसलिए हम केवल कि कहाँ तक जाएंगे, 25 साल कंप्लीट हो गया, तो यानी 25 साल तक, यानी पहला ऐसे सोमवार प्लस यही की है, इसी तरह आप लोग करिएगा 2000, यानी 2000 अभी कितना साल, प्लस 25 साल। ठीक, 25 साल इतना हुआ। अब देखेंगे 25 साल में
कितने लीप वर्ष आते हैं। तो लीप वर्ष देखने के लिए मैंने आपको बताया था चार से भाग देना है, तो भाग दीजिए चार से, 4 × 6 = 24 यानी 6 ठो लीप वर्ष इसमें आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया, ये साल ख़त्म। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा के। अब विषम दिन महीने का, महीना कौन सा चल रहा है, जनवरी। जनवरी क्या पूरा हो गया है, जो भी चीज़ पूरा नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, यानी प्लस 0, महीना हमारा पूरा नहीं हुआ है। ठीक, अब किस में आएंगे, विषम दिन यानी दिन में, विषम दिन 26 तारीख है, तो हम लोग कहाँ से चले हैं, एक तारीख। ठीक, तो हमेशा आप लोग इस रियल कैलेंडर में एक घटा देंगे, क्योंकि एक से हमने एक को आधार माना है इसलिए। ठीक, तो यानी 26 - 1 इतना चीज़। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 400 से, शताब्दी वर्ष है, जो 400 से डिवाइड होगा उसमें एक भी विषम दिन नहीं आएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, 25 को अब देखिए 7 से आप लोग को डिवाइड करना है, ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए आप लोग पास दो उपाय, या तो 25, 25, 50, 6, 56, 56 जोड़ के सीधे 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 8 = 56 यानी पूरा कट गया, यानी 0। या तो ऐसे करिए 7 × 3 = 21, कितना बचा, 4 बचा, 10 हुआ, यानी यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 6, 4, 10, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 × 7 यानी कितना बचा, 3 बचा। अब इसी 3 में 25 × 3 = 28, 7 × 4 = 28 यानी 0 बचा, यानी सोमवार प्लस 0 दिन। तो जब सोमवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा सोमवार, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये तो समझाने में इतना टाइम लगा, अब देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे लगेगा, बहुत ईजी वे में लगेगा। क्या है, 15 अगस्त 2037, तो हम लोग को क्या बताया था हमने आपको, सोमवार प्लस पहले सन चलेगा, 2037 पूरा नहीं हुआ है यानी 36 तक जाना है, फिर 4 से डिवाइड करिए, कितने, क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष हमको देखना है, तो 4 × 9 = 36 यानी 9 बार 9 ठो, इस 36 साल में 9 ठो लीप वर्ष आएगा। साल ख़त्म, प्लस महीने में आइए, अगस्त तक जाना है। अब विषम दिन पे आइए, जनवरी में कितने विषम दिन, 3, जनवरी, फरवरी इसमें कितने की रहेगी, 37 में, 37 देखिए लीप वर्ष नहीं है इसलिए 0 की रहेगी, फिर मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में हमको अगस्त पूरा नहीं हुआ है अभी इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, ये याद कर लीजिए, 3 0 3 2 3 2, केवल ये 3 3 रहेगा, फिर 3 2 3 2, बस समझ में आया। अब देखिए ये महीना भी ख़त्म हो गया, अब किस में आएंगे, दिन पे। तो दिन में हमने आपको बताया कि हमेशा 15 दिया है, तो एक घटा के लिखिए, 15 - 1 यानी आप क्या हो जाएगा, 14। अब देखिए ये 2000, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब इसको 7 से भाग दीजिए, 7 × 5 = 35, कितना शेषफल बचा, 1 बचा। अब ये देखिए 9 और 1 जोड़ दीजिए, 10 हो गया, फिर भाग दीजिए 7 × 7, यहाँ से कितना बचा, 3 शेषफल बचा। ऐसे ही सॉल्व करते चलिए, अब इस 3 को जोड़िए, 7 तक जाना है क्योंकि 7 तक में एक हफ्ता पूरा होता है, इसलिए हफ्ता निकालने के लिए 3 × 3 = 6 × 3 = 9 यानी यहाँ से यहाँ तक आइए, आगे मत जाइए, 9 आया यानी 9 को फिर 7 से भाग दीजिए, 7 × 7 = 7, 2, अभी 2 बचा, फिर ये 2 वाला प्लस करिए, इसमें 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7 यानी 7 आ गया यहाँ से, यानी ये 0 हो जाएगा, अब कुछ नहीं, यानी इतना सब 0 हो गया हमसे नहीं मतलब। अब देखिए 3 × 2 = 5, ठीक, यानी ये 5 है, और ये 14 देखिए, 7 × 2 = 14 यानी 0 हो गया तुरंत, क्योंकि इतना आ गया, यानी अब 5 बचा हमारा सब जोड़ने पे। ठीक, ये क्या है, 5 शेषफल है, यानी शेषफल कहें तो क्या है, विषम दिन। अब यही विषम दिन सोमवार में जोड़ दीजिए, सोमवार प्लस 5 दिन, समझ में आया। अब सोमवार में 5 दिन जोड़िए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, आपका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। देखिए रियल कैलेंडर का, अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा एकदम वेरी, बहुत ही ईजी वे में। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 2019 है, पहले 2000 चल देंगे सोमवार से, प्लस क्या कर देंगे, 2000 प्लस 2019 में जाना है, क्या 19 पूरा थोड़ा नहीं हुआ, तो 18 तक चलेंगे, फिर देखेंगे कितना इसमें लीप ओवर्स है, तो 4 से भाग देंगे, 4 × 4 = 16 यानी 4 लीप ओवर्स है, यानी ये ईयर ख़त्म हो गया। मंथ में आएंगे, जून है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अब जून में नहीं जाना है, जून में 0 हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, अब दिन 9 में से एक घटा दीजिए, 8 हो जाएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं ना है, अब ये देखिए हमेशा 2000 0 हो जाएगा। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका, 18 है, 4 है, 7 × 2 = 14, कितना बचा, 4 बचा,
और 4 4 8, फिर कितना बचा? एक बचा। या तो आप पूरे को जोड़ के निकालिए या तो ऐसे मैंने तरीका बता दिया। देखिए 7 2 14 चार बचा, और इस चार को और इस चार को जोड़िए 8 बचा, फिर 7 से भाग दीजिए एक शेषफल बचा, अभी इसे 21 में जोड़िए, 1 3 1 4 4 3 7, यानी यहाँ तक 0 हो गया, अब कुछ पीछे मतलब नहीं। अभी देखिए 3 2 5, यानी ये 5 हुआ, और ये देखिए 7 7 1 कम 7, यानी एक शेषफल यहाँ से बचा, यानी 5 और 1 6, यानी सोमवार प्लस 6, ठीक, यानी सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? रविवार आंसर। चलिए हम आप लोग को अब 2 क्वेश्चन ये होमवर्क दे देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक। देखिए पहला है और ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तब तो हम लोग आगे जा रहे थे अपने सन से, अब देखिए पीछे आते हैं। जैसे 3 मई 1998 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें हमारा 300 वाला आएगा। देखिए पहले 1998 जाना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले हमको शताब्दी वर्ष को ध्यान देना है, तो 1600, ठीक, इसमें भी वही चलेगा, सोमवार प्लस 1600, 1600 और 300 जोड़ेंगे कितना होगा? 1900 हो जाएगा। 1900 प्लस ये 98 मत लिखिएगा, क्योंकि 98 पूरा नहीं हुआ है, 97 तक जाएगा, समझ में आया? अब इसमें 97 में देख लेंगे कितना लीप वर्ष है, तो 4 से भाग दीजिए, 4 2 8, यानी 17 4 6 16 24 है, यानी ये साल आपका ख़त्म, ठीक। अब फिर आगे जाइए मंथ में, मई, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में 0, ठीक, प्लस 1 कम कर दीजिए दिन, 3 में से यानी 2 हो गया, ठीक, समझ में आया इतना? अब देखिए ये तो शताब्दी वर्ष है, तो 400 से कट जाएगा, तो यानी 0 विषम दिन इसमें होंगे। लेकिन देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि इस वाले में कितने विषम दिन होंगे, 300 में। देखिए यहाँ पे 300 वाली लाइन देखिए, कितने विषम दिन? एक विषम दिन। कैसे एक विषम दिन? देख लीजिए 100, इसको क्या लिख सकते हैं? 100 × 3 लिख सकते हैं, 100 में 5 विषम दिन होता है, मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, तो देख लीजिए इसमें एक विषम दिन होता है। सीधे कुछ मत करिए, केवल नीचे क्या लिख दीजिए, यहाँ पे एक विषम दिन। इसमें कितना विषम दिन आएगा? 7 से भाग दीजिए 97 में, 97 भागे 7, 7 1 कम 7, ठीक, 2 बचा 27, 7 3 का 21, कितना बचा? यानी 21, यानी 6 विषम दिन, इसमें 6 विषम दिन होगा। इसमें देख लीजिए 7 3 का 21, यानी कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। और अब ये देख लीजिए, अब ये सब तो आप नॉर्मल अब जोड़ना शुरू करिए, 6 1 7 कितना हो गया? 7 से 7 में भाग दीजिए, यानी 0 हो गया, यानी इसका काम ख़त्म है, पे मैटर फिनिश। अब इसका 3 प्लस 3, 6 6 3 9, यहाँ से यहाँ तक ऐड करिए, 9 आया, फिर 7 से भाग दीजिए, कितना बचा? 2 बचा है। इस 2 को अब इस आगे बढ़िए, 2 2 4 2 6, यानी सोमवार प्लस 6 दिन बराबर कितना आ जाएगा? रविवार। जोड़ के आप लोग देख लीजिए। इसका एक और तरीका है, 6 दिन या तो जोड़िए या तो ऐसे लिखिए, सोमवार माइनस 7 माइनस 6, यानी 1 आ जाएगा, यानी सोमवार में से 1 दिन घटा दीजिए, यानी क्या आ जाएगा? रविवार। एक क्वेश्चन देख लीजिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो ये भी बता दे रहे हैं आप लोग को, बहुत याद भी होगा ये क्वेश्चन, इस दिन कौन सा होगा, देख लीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1600 प्लस 300 प्लस 47 नहीं 46, ठीक, इतने ध्यान दीजिए आप लोग, आगे कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 46 में देख लीजिए कितना लीप वर्ष होता है, तो 4 1 कम 4 4 1 कम 4, 11 होता है, ठीक, साल ख़त्म। यहाँ पे सोमवार है, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, सोमवार हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए आगे हम महीने में चलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अब अगस्त आ गया, तो अगस्त में जाना नहीं है, ठीक। अब इतना देख लीजिए, अब प्लस दिन में एक मैंने बताया था, कम कर दीजिए, क्योंकि एक माइनस हमेशा हुआ। देखिए 7 यहाँ से चलेंगे कि यहाँ से, कहीं से चलिए, देखिए इसमें एक विषम दिन होता है, और ये तो शताब्दी वर्ष है, यानी 0 हो जाए, इससे मतलब नहीं, इतना ख़त्म, एक हुआ। इसमें देख लीजिए 7 6 42, कितना बचा? 4 बचा, ठीक, यानी 1 और 4। अब इसमें देख लीजिए 7 1 कम 7, 4 11, यहाँ से भी 4 विषम दिन, ये अभी जुड़ेगा, ठीक। अब देखिए ये ख़त्म, यानी बड़ी संख्या को हम लोग छोटे में बदल रहे हैं। अब देखिए 4 4 8, 8 1 9 हो गया, इतना जोड़ेंगे, 9 होगा, 7 से भाग दीजिए, 2 बचेगा, इस 2 को यहाँ पे जोड़िए, 3 2 5 5 3 8, यानी 8 हो गया, यानी 7 से ज़्यादा हो तो हम लोग भाग, 8 बटा 7 बराबर 1 दिन बचा, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 2 8, फिर आया 1 दिन, समझ में आया? अब 1 दिन इसमें जुड़ेगा,
यानी 3 × 1 = 4, यानी 4 दिन बचा, यानी सोमवार प्लस 4 दिन बराबर कितना दिन हो जाएगा आपका, यानी सोम मंगल बुध, नहीं मंगल बुध बीफ शुक्रवार। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क करके लाइएगा, 1, 2, 3, क्योंकि अभी कराऊँ तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब बस करूँ। इतना देख लीजिए, मेरा पार्ट सेकेंड जो होगा अनरियल कैलेंडर, अवास्तविक कैलेंडर, उसको हम कल अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना कोई चीज़ याद करना, ना कुछ याद करना है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।